सो हे गाइस, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इंस्टाग्राम पे वायरल होने वाले एक और मैजिकल मिरर डबल रोल वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पे बहुत बार बना चुका हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ। यानी दोस्तों, जो पॉइंट्स हमसे पहले मिस हो गए हैं, जिसको दोस्तों मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ, जिससे बहुत सारे भाई नहीं समझ पाए हैं, तो आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इस तरह के आने वाले दोस्तों जो भी हों, हज़ारों तरह के डबल रोल हों, इस तरह के दोस्तों मिरर मैजिक वाले आप बड़े आसानी से बना लेंगे। अब यार, आप सोच रहे होंगे भैया ये क्या बटर बटर कटर पटर आप कर रहे हो, वीडियो तो दिखाया नहीं, तो पहले आप स्क्रीन पर उस वाले वीडियो को देख लीजिए। अब दोस्तों, जिस वीडियो को आपने भी स्क्रीन पे देखा है, ये वीडियो दोस्तों इस समय इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। इस वीडियो को मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड किए थे, यहाँ पर दोस्तों आप उनकी आईडी देख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों इसी तरह का थोड़ा सा हट कर वीडियो अगर आपके पास भी है, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। आपकी आईडी भी दोस्तों यहाँ पे शो की जाएगी, और इसके साथ ही दोस्तों आपके वीडियो का ट्यूटोरियल भी आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको जो अपना वीडियो शूट करना है, यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने वीडियो को ओपन कैमरा एप्लीकेशन से शूट करना है। अब अगर दोस्तों आपको नहीं पता है ओपन कैमरा एप्लीकेशन क्या होता है, या फिर एक्सपोजर क्या होता है, तो इस वीडियो को देख के दोस्तों आप लोग सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन पर वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है एक्सपोजर को मैच करना। एक्सपोजर अगर आपका नहीं मैच होगा, तो डबल रोल जब आप बनाएंगे तो एक वीडियो काला दिखेगा, एक वीडियो वाइट दिखेगा। यानी दोस्तों, एक वीडियो हो जाएगा फैजाबाद, तो दूसरा वीडियो हो जाएगा अहमदाबाद। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। पहला वीडियो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का शूट करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले रोल की कंप्लीट एक्टिंग कर लेना, ध्यान दीजिएगा। कैमरा आपको कुछ इस तरह से सेट करना है, शीशे के सामने, मिरर के सामने, और पहला रोल दोस्तों आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सेम उसी पोजीशन पे कपड़े को चेंज करते हुए यहाँ पर दोस्तों आप डेविल या फिर हॉरर या फिर जिस तरह से एक्टिंग कर सकते हैं दूसरे रोल की, इस तरह से आपको कर लेना है। बाकी का एडिटिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का है, जो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं काइन मास्टर में। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा काइन मास्टर के अंदर, और इस अमेजिंग वीडियो की एडिटिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, काइन मास्टर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। 9 और 16 वाला इस पर ट्रेसो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। आपको अपने उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो आपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया था, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं, मेरा दोस्तों जो अलमारी है वो ऐसे कमरे में है जहाँ पे मैं कैमरा फिक्स किया था, तो दोस्तों मिरर पे ज़्यादा लाइट नहीं पड़ रहा था, इसलिए मेरा वीडियो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे डार्क हो गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे मिरर को सेट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो अलमारी के अंदर मिरर लगा हुआ था, ये भी काफ़ी छोटा था, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो मिरर रहे वो थोड़ा सा बड़ा रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है। ऑडियो पे जाने के बाद यहाँ से इसको म्यूट कर देंगे, ओके करेंगे। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू पार्ट है, कटिंग करके निकालना चाहते हैं, तो कैंची पे जाके लेफ्ट ऑफ प्लेट करके काट देंगे। उसके बाद इस तरह से आपको स्लाइड करते हुए आगे जाना है, जहाँ पे आपका पहला रोल कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, मेरा पहला रोल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मैं डर रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मैंने ओपन कैमरा एप्लीकेशन से शूट किया था एक्सपोजर को बंद करने के बाद, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी आपका वीडियो सही से बन पाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, जहाँ पे मैं कपड़ा चेंज करके वापस दोस्तों उसी पोजीशन पे आ गया हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा हमारा वो पोजीशन जहाँ से दोस्तों मैं हाथ को झटकाता हूँ, या फिर दोस्तों जहाँ से आप चाहते हैं कि आपके वीडियो में हॉरर वाला इफेक्ट आए, घोस्ट वाला आए। तो पहले मैं काला कलर का टी शर्ट पहना था, इस बार यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन लिया हूँ, जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको भी अपने कपड़े को चेंज कर लेना है। यहाँ का जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड करके काट देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ से ओके कर देंगे। इस वीडियो को आपको अगेन सेलेक्ट करना है, यहीं पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, 3 बिंदी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इस वीडियो को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। इस वीडियो को स्लाइड करते हुए, खींचते हुए आपको उस पोजीशन पर लेके आ जाना है जहाँ से आप चाहते हैं दोस्तों डबल रोल की एंट्री। उससे पहले आपको क्या करना है,
इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो को दोस्तों आपको इस तरह से फुल स्क्रीन में अच्छे से बैठा लेना है। ये काम आपको बिल्कुल एकदम आराम से करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहीं पे अब आपको जाना है क्रॉपिंग में, देख सकते हैं। क्रॉपिंग में जाने के बाद आपको अपने वीडियो को इस तरह से यहाँ पे क्रॉप कर देना है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो शीशा वाला मिरर वाला दोस्तों जो सीन है, मिरर वाला जहाँ तक आपका आता है वीडियो में, ठीक है ना, उतना आपको यहाँ पे छोड़ देना, देख सकते हैं, ताकि आपका वीडियो दोस्तों सही से बन सके, सही से एडजस्ट हो सके, नहीं तो आपका वीडियो सही से एडजस्ट नहीं होगा। तो इसके अलावा यहाँ से ओके कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कहाँ से हमारा डबल रोल की एंट्री चाहिए। बिल्कुल एकदम सही जगह से दोस्तों यहाँ पे हमारा डबल रोल का एंट्री हो रहा है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों अगर एक्सपोजर बंद करने के बाद भी आपके वीडियो में थोड़ा सा लाइट कम ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ से आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है। यहीं पे आपको मिल जाएगा दोस्तों कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन, देख सकते हैं। कलर एडजस्टमेंट में जाएंगे, यहाँ से दोस्तों आप अपने दोनों वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा आगे पीछे कलर को करके सेम कर सकते हैं। मेरे वीडियो में दोस्तों हल्का सा कलर लाइट कम ज़्यादा हो गया था, क्योंकि दोस्तों उसी टाइम पे लाइट कट गया था, इन्वर्टर जला तो दोस्तों वो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लिंक हो गया था, ठीक है। बाकी क्या दोस्तों, एडिटिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो का हमारा कोई काम नहीं, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। साउंड का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस साउंड को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसी साउंड पर दोस्तों इस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। ये मेरा पहला रोल है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा हूँ। इस जगह से दोस्तों मेरे दूसरे रोल की एंट्री हो गई है। यहाँ से दोस्तों ये डर रहा है एक रोल, और एक रोल दोस्तों यहाँ पे हंस रहा है, ठीक है ना। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है, 1080, और यहाँ से 30 रखने के बाद वीडियो को सेव कर लेंगे।